बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है इस तरह की ऐप्स में अपना कार डिटेल्स डालने का, वो बेटे तो पुलिस स्टेशन है तो मात्र 100 रुपये में मैं अपनी फटी हुई पैंट को यहाँ पर रिपेयर करवा रहा हूँ। चल कॉफी, ये खीर बेच रही है, वाह। मैं जानबूझ के थोड़ा सा आपको मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। बहुत देर से चिल्ला चिल्ला के मेरे को अपनी पास बुलाना चाह रहे हैं, पर ये मेरे को मतलब सेफ सी फीलिंग नहीं दे रहे थे, इस वजह से मैंने इनको अवॉइड किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कोई टैक्सी वाले या कोई माशरुतका वाले हैं जो मुझसे नाप शनाप पैसे मांगेंगे, और तो ये अच्छा तरीका है भाई, फार्मूला है लोगों को अवॉइड करने का। यहाँ एक बंदा नज़र नहीं आ रहा है, और अब मैं जाता हूँ किसी ऐसी सेफ जगह पर जहाँ बैठ के थोड़ी देर मोबाइल चार्ज करूँगा, हॉस्टल बुक करूँगा। सुबह के इस वक्त 5:30 बज रहे हैं और इस वक्त बैठा हुआ हूँ एक टॉयलेट में, और बैठ के मैंने क्या किया अब आपको ये बताता हूँ। क्योंकि बिश्केक में पहुँचा हूँ, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि रुकना कहाँ पर है, तो मैंने वही booking.com की एप्लीकेशन पे जाके ढूँढा, तो पता है सिर्फ 202 रुपये में हॉस्टल मिल गया है पर नाइट। और ये जो सबसे नज़दीकी हॉस्टल था ना, मैंने डिस्टेंस वाइज डाला, वो दिखा रहा था करीब 500 रुपये का, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, जो सबसे चीपेस्ट है वो 6 किलोमीटर दूर है और 300 मीटर दूर है जो 500 रुपये में है। और मेरा प्लान है शायद यहाँ पर कुछ दिन और रुकने का, तो जहाँ 2 दिन मैं रुकूँगा तो 1000 रुपये हो जाएंगे 500 रुपये वाले में, वहीं मैं 5 दिन रुकूँगा तब जाके 1000 रुपये होंगे, तो मुझे लगता है वहीं जाता हूँ। अब सवाल ये था कि इतने बजे 5:45 बजे मैं पहुँचूँगा कैसे। जब मैंने गूगल पर लोकेशन डाली तो उसने लोकेशन बता दी, फिर मैंने टूगिस का इस्तेमाल किया तो उसने बताया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सा अवेलेबल है। तो कुछ बसेस हैं लेकिन ये सारी 6 बजे के बाद शुरू होती हैं मार्शरूट का, मतलब करीब 1 घंटा और है मेरे पास। उसी ने नीचे बताया कि आप यांडेक्स टैक्सी अगर बुक करोगे तो उसमें आप 137 सोम में ही पहुंच सकते हो अपने हॉस्टल, तो मुझे लग रहा है कि ये सही तरीका है। फिर मैंने यांडेक्स टैक्सी की वो ऐप डाउनलोड की, बिल्कुल ऊबर जैसा है। सबसे पहले तो उसने मेरा लोकल नंबर अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर कार्ड डिटेल्स डालने के लिए कहता है कि थोड़ी सुविधा रहती है कार्ड से, आप कैश नहीं देना पड़ेगा, बट ठीक है। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है इस तरह की ऐप्स में अपना कार्ड डिटेल्स डालने का, कि अगर उसने चार्ज कर लिया और अगर आप गलत चार्ज है वो, तो कस्टमर केयर से बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ जहाँ पर आपकी भाषा को समझने वाले लोग नहीं हों। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मुझे मेगाकॉम के कस्टमर केयर से बात करने में कई बार दिक्कत आई, उन्होंने गलत पैसे भी काट लिए और मैं जिसको आज तक सेटल नहीं कर पाया, 2-3 हफ्ते हो गए मेरे को, तो इसलिए मुझे लगता है कि इनके साथ भी ये प्रॉब्लम ना हो, मैं कार्ड डिटेल्स ना ही डालूं, जबकि मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन रहना भी नहीं है, ना ही मैं टैक्सी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। तो खैर बताना आपको यही था कि बहुत आसानी से मुझे हॉस्टल मिल गया, और बहुत ही आसानी से मेरे को टैक्सी का पता चल गया, मार्शरुतका का पता चल गया, सब गूगल बाबा की कृपा से, मोबाइल की कृपा से, इंटरनेट की कृपा से। तो इस्तेमाल कीजिए और ऑड आवर्स में, ऑड लोकेशंस में सुविधा से सेफली अपनी जगह पर पहुंचिए। ये है देबू मेथड जो मैंने यांडेक्स से बुक की थी, बहुत आसानी से हो गई थी बुक, जैसे हमारे यहाँ ओला और ऊबर बुक होती है। एक बात मैं आपको बता दूँ, किसी अनजान जगह पर अगर आप इस तरह की टैक्सी जो आपने पहले कभी बुक नहीं की है, तो गूगल मैप्स का सहारा ज़रूर लें। मैंने इस वक्त वो ऑन किया हुआ है ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो या नहीं, और वो मैप्स क्योंकि आप अक्सर यूज़ करते हैं तो मैंने नेविगेशन पे लगा रखा है, तो गूगल देवी बताती जा रही हैं टर्न राइट टर्न लेफ्ट आगे इतना वगैरह वगैरह। फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ बिश्केक में टूगिस, यांडेक्स टैक्सी और गूगल मैप्स, इन 3 ऐप्स का इस्तेमाल करके मैं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच रहा हूँ। आप भी सेंट्रल एशिया में इन तीनों ऐप्स का इस्तेमाल करके इधर उधर आ जा सकते हैं। सो अभी करीब 1.7 किलोमीटर दूर रह गया हूँ मैं अपनी डेस्टिनेशन से, हम सही जा रहे हैं। सुबह सुबह के वक्त बिश्केक अच्छा लग रहा है।
मानने पर ये है मेरा इमेजिन हॉस्पिटल। हाई आई एम अ गेस्ट हियर। नॉट अ प्रॉब्लम, थैंक यू। मैंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, हेलो। फिर मैंने कहा दरवाज़ा खोल दो, हम आ गए हैं। करीब 11 बज रहे हैं और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ करीब 24 घंटे के बाद। अब मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास एक कार्गो पैंट्स हैं, वो कैमोफ्लाज, वो ना थोड़ा सा फट गया, तो मैं सोच रहा हूँ उसको ज़रा रिपेयर करवा लेता हूँ। एक जगह के बारे में पता चला तो फ़िलहाल मैं वहाँ निकल रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये बिश्केक का एक आम सा रेजिडेंशियल एरिया है। बड़ी हैरानी हो रही है और अच्छा लग रहा है कि मुझे तेज़ चलने की आदत पड़ गई है। मैंने कुछ लोगों को अचानक अनजाने में पीछे छोड़ दिया। सोवियत कंट्रीज़ में लोग थोड़ा तेज़ चलते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। शहर असर कर रहा है धीरे धीरे मेरे ऊपर। अब मुझे ज़रा पता करना है, औरतासाई नाम की एक जगह है, वहाँ जाना है मुझे अपनी पैंट ठीक करवाने के लिए क्या। अगर अब पूछूं किससे, यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ नहीं, यू नो वेयर इज औरतासाई? दिस वे, ओके। समझ में कुछ आया क्या? मुझे यहाँ जाना चाहिए औरतासाई? सुधा नहीं यार, तुदा तुदा और सीधा का कर दिया सुधा। क्यों क्यों हो गया रे? अरे तो जाम सा लग गया भाई। ओ भाई साहब, हरी हो रही है बत्ती। एक खास बात मैंने महसूस की है, इन सभी सोवियत कंट्रीज में ना चलने के लिए सड़क से काफ़ी दूर होती है लेन, जो बड़ा सेफ रहता है। यार मैं तो फिर भूल गया, एक्सक्यूज मी, वेयर इज औरतासाई? औरतासाई प्रियामा पावरोता प्रावा केरो पावरो इता कांसा। ओके, थैंक यू, थैंक्स। प्रियामा प्रावा, इसको क्या बोलते हैं ये समझ में नहीं आया अभी तक। औरतासाई तम तो क्या हो रहा है? सॉरी, ओके ओके, थैंक यू। नो रुस्की? नो, मैं रास्ता पूछ रहा हूँ। ऑल राइट, बेनिया जाबूत वरुण काको जाबूत। यहाँ पे ना मेरे ख्याल से सारी सोवियत कंट्रीज़ में चलते बहुत हैं लोग, जैसे सड़क बनी हुई है और बीच में एक गटर है जो सड़क को और चलने वाली स्पेस को, फुटपाथ को अलग करता है। फुटपाथ नहीं है, काफ़ी फुटपाथ ही हो गया ना। हाँ, चाहे वो रशिया था या कजाकिस्तान था और अब यहाँ किर्गिस्तान, लगभग सभी जगह पर, इवन छोटे छोटे गाँव में भी तो बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ मेरा अगला मिशन है टेलर शॉप ढूंढना और अपनी पैंट को रिपेयर करवाना। इस तरह के जो कियोस्क हैं वहाँ पर आप अपनी सिम्स को रिचार्ज कर सकते हैं, शायद 500 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। काफ़ी लंबा थोड़ा हिसाब किताब है। Malinke folding scissors. Okay. ये तो सारे कंटेनर्स हैं यहाँ पर, कंटेनर्स में दुकानें हैं। वाह, अब मेरे ख्याल से ना यहाँ इस पूरे देश में बहुत सारी मार्केट्स कंटेनर्स में बनी हुई है। ये तो सारे कंटेनर्स ही हैं।
of restaurants, no? Yeah, tailor. Okay. So, thank you very much. ये भाई साहब की दुकान है, ये मेरे को यहाँ तक छोड़ के गए हैं। तो मैं ज़रा अपनी पैंट निकालता हूँ, मतलब बैग में से निकालता हूँ और फिर टेलर्स को दिखाता हूँ। ये ज़रा सा कट लग गया है, अब पूछता हूँ कि इसको ठीक करने के लिए कितने पैसे लेंगे ये लोग। और ये शायद आलू निकालते हुए वहाँ गांव में हो गया था। या приклеить, а потом на машинке что-то. Окей. This one. Окей. Alright. Сколько денег? 100 сом. 100 сом. 100. Да. Окей. तो मात्र 100 रुपये में मैं अपनी फटी हुई पैंट को यहाँ पर रिपेयर करवा रहा हूँ। लगेंगे सिर्फ 15 मिनट। किर्गिस्तान में पहली बार मैंने इसी जगह पर सीलिंग फ़ैन, पंखा लगा हुआ देखा। वैसे भी गर्मियों में टेम्परेचर यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। चाय कॉफ़ी है। सही है, चाय और कॉफ़ी वो ऐसे बेच रही हैं मेरे पास में। ये पता है क्या, ये खीर बेच रही हैं। वाह, काशा मतलब रिजर्व है, काशा मतलब पॉरिज। मेरे ख्याल से काम पूरा हो चुका है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा होगा। ये कैमोफ्लाज है, इस तरह की पैंट्स मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ट्रिप्स पर ताकि गंदी हो जाने पर बहुत ज़्यादा पता ना चले। और ये शायद दिख भी नहीं रहा होगा, मतलब ये बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना फराशो चाक्ष बचो इस पसी पर। ये चीज़ है ओ जी ई आर ओ एन, समझ में नहीं आ रहा। वो बेटे तो पुलिस स्टेशन है और मैं उसके सामने होके खड़ा होके मैं वीडियो कैमरा लेके, ओह शिट, ये तो मैं ऊपर पढ़ने में लगा पड़ा था, मैंने अंदर ध्यान से नहीं देखा एक भाई साहब वर्दी में बैठे हुए हैं। यार ये तो काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर तो हार्डवेयर शॉप्स भी हैं। इलेक्ट्रिकल चेंज करने के लिए जगह ढूंढ रहा था मैं, समझ में आ नहीं रहा था, टॉयलेट कोई दिख नहीं रही थी, सारा कुछ ओपन था। तो पैंट तो चेंज कर ली है, और पता है कहाँ चेंज की है, मैं जिसको कह रहा था ना कि पुलिस स्टेशन है वहीं आ गया मैं। तो मैंने अपनी बात उनको समझाई और ये जनाब हैं जिन्होंने मुझे अलाउ किया, एक और थे। तो ये रही मेरी पहनी हुई पैंट और ये रही मेरी रिपेयर की हुई पैंट। थैंक यू वेरी मच, बलशोइस पसीबा, रहमत रहमत। मेरे यहाँ जाबूत वरुण 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 कहाँ जाबूत तुरार तो तुरार तुरार ओके थैंक यू वेरी मच। ओके 150 और 70 170 वापस मिल गए हैं, 200 दिए थे। यहाँ से ख़रीदा है मैंने कैंची, एक फोल्डेबल कैंची की मेरे को पिछले काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी। स्पसीबा। चलो बाहर जाने का वक्त आ गया। अरे वाह, यहाँ तो फ्रूट्स भी हैं यार, भुट्टे भी हैं, वाह। कितने के हैं? सेब का रेट है 50 रुपये किलो, अनार हैं 90 रुपीज़, 90 रुपये, टमाटर 25 रुपये किलो, दिपियोष का 1800 की। ओके आलगी एक बार इंडिया काट लिए, थैंक यू। बस इस बात का।
जो लोग मुझसे मिलना चाह रहे थे वो सामने आ गए हैं। मैं नाम भूल गया हूँ आपका, सॉरी, दीक्षित। दीक्षित, ओके। अरुण। अरुण, ओके। और मैं वरुण। एक इंडियन रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, साथ में हैं दीक्षित और अरुण। दीक्षित हैं स्टूडेंट और अरुण हैं टीचर, तो गुरु और शिष्य दोनों साथ में घूम रहे हैं। ये पनीर पराठा है ना? पनीर, ये पनीर पराठा है और ये है वेज बिरयानी। ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेड खाई थी चाय में डाल के, तो भूख थोड़ी सी लग रही थी। हाँ, तो अभी 2:20 हो रहे हैं, हम तीनों फोकस कर रहे हैं खाना खाने पर। अच्छा लग रहा है इंडियन खाना। और एक बात मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, जैसे यहाँ दीक्षित हैं, इन्होंने कहा कि मुझे मिलना है आपसे, आपके वीडियोस देखता हूँ, तो इस तरीके से हम मिले। एक बात मैं आपके सबके सामने और आपको भी बता रहा हूँ, आप मुझसे मिलने के लिए आए, टाइम निकाला, ये मेरे लिए बड़ी बात है। बट इस चीज़ का जो मेरा वाला है वो मैं पे करूँगा और ये अपना पे करेंगे। और ये एक अच्छी आदत है, हम लोगों को, खासतौर पर हम हिंदुस्तानियों को बदलनी चाहिए। लेकिन बात ये भी है, अतिथि देवो अतिथि हैं, यू आर अ गेस्ट फॉर अस। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मगर आप अगर मेरे ब्लॉग्स को देखें तो मैं एक चीज़ और कहता हूँ, स्टूडेंट्स को जितना हो सकता है दिया जाना चाहिए, और आप और मैं उस बिरादरी से बाहर आइए। इनफैक्ट कायदे से तो मुझे इनका शेयर करना चाहिए और मैं करूँगा, ये मेरे को ध्यान में ही नहीं रहा। सो आई एम गोइंग टू, ये जो वेज बिरयानी और आलू का पराठा, सो इसका बिल मेरे नाम पर, आपके नाम पर। तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनको आप जितना हो सके हेल्प करें या कंट्रीब्यूट करें, ताकि वो जब आगे जाके जब उस पोजीशन में आएंगे तो आप आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर, बट खाने का मेरा वाला मैं बनूँ। आपको कोई एतराज़ है इसमें? बिल्कुल मेरा है इसमें। नहीं, आपका एतराज़ कैंसिल हो चुका है, आप स्टूडेंट नहीं हैं। हम लोग देसी एंड देहाती इंडियन है, तो हम अपने मदरलैंड के जो कल्चर है बस उसी से चीज़ को हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं। करो जाओ, फिर आप घरे जाओ, बहुत सारे लोग आएंगे, मैं आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर दूँगा, आप इनके पास आओ, ये आपका बिल भरेंगे।